खत्म होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। जनपद के गन्ना किसानों का बुरा हाल। भारतीय किसान संघ ने ग्राम लोहा पट्टी भोलानाथ में नेशनल हाईवे पर गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए गन्ने की होली जलाई। भारतीय किसान संघ के जिला मीडिया प्रभारी मुजीब कमाल ने कहा कि जनपद रामपुर में राणा चीना मिल की करीमगंज पर तथा बिलासपुर चीनी मिल पर बकाया गन्ना भुगतान बाकी है। किसानों का गन्ने की खेती से मोह भंग होता जा रहा है, जो अत्यधिक चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार द्वारा पेराई सत्र शुरू होने के बाद भी अभी तक गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया। सहकारी समितियों में आम किसान पर्ची ना मिलने से चक्कर काटने को मजबूर है। छोटे व मध्यम किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है और वह आगामी रबी फसल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इसका फायदा उठाकर दलाल उनका जमकर शोषण कर रहे हैं। गन्ना किसानों के प्रति प्रशासनिक निष्क्रियता अति निंदनीय एवं चिंताजनक है। मिलक क्षेत्र के अंदर रात्रि में गन्ना दलाल अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गन्ने की कालाबाजारी कर रहे हैं। मिलक प्रशासन दलालों पर मेहरबान है। हजारों कुंटल गन्ना अवैध रूप से मिलक क्षेत्र में खरीदा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ पूरे जनपद में गन्ने से संबंधित विभागों पर तालाबंदी करेगा तथा कर्मचारियों को बंधक बनाकर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। गन्ना होली दहन तथा विरोध प्रदर्शन में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष आदेश संकदार, रमेश गंगवार, सानू संजीव सक्सेना, गुड्डू ऋषिपाल, नासिर कमाल आदि मौजूद रहे। जी, किस बात को लेकर धरना हो रहा है आपका? आज हमारा एक विरोध प्रदर्शन था जी गन्ने को लेकर के, और हमने आज विरोध प्रदर्शन शुरू जी गन्ने की होली जलाई है जी। ये मिलक क्षेत्र का लोहापट्टी गांव है, हाईवे पर हमने धरना प्रदर्शन करने के बाद में और गन्ने की होली जलाई है। क्या क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं कि हमारा जनपद रामपुर में राष्ट्रपति शमान है, उस पर करोड़ रुपये बताया है। इसके अलावा बिलासपुर चीनी मिल पर थी, उस पर करीब 10.5 करोड़ रुपये बताया है। कुल मिलाकर 30 करोड़ से ज्यादा बताया हमारी चीनी मिलों पर है, लेकिन गन्ना विभाग रामपुर की मिली दगत से और प्रशासन की ढील से अभी तक गन्ना भुगतान बताया नहीं हो पाया। इसके अलावा प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि गन्ने का समर्थन मूल्य और जो लागत है गन्ने में ज्यादा हो रही है, इसलिए 450 रुपए से कुंटल जो पिटी गन्ना जो हमारा भाव है वो घोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा